आज के इस वीडियो लेसन में हम बात करेंगे एक और पांच मात्रे का ताल जो रविंद्रनाथ जी ने बनाया था। इस ताल का नाम है झम्पक, झम्पक ताल है इस ताल का नाम। आज इस वीडियो लेसन में इसके बारे में हम लोग नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। नमस्ते, वेलकम टू आवर चैनल शिव शंकर तबला। और आज मैं आपके लिए लाया हूं एक और बेहतरीन पांच मात्रे का ताल जो श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्रिएट किया था। दिस वॉज द क्रिएशन ऑफ श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी एंड इस ताल का नाम है झम्पक ताल। झम्पक ताल पांच मात्रे का है बट इसका ट्रीटमेंट थोड़ा अलग तरीके का है। दो और तीन मात्रे के हिसाब से नहीं जाता, ये जाता है तीन मात्रा और दो मात्रे के हिसाब से। द डिविजन इन दिस ताल इज थ्री एंड टू मात्रा एज आई सेड, बट इस ताल में कोई भी खाली नहीं है। इस ताल में खाली का जगह ही नहीं बनता है बिकॉज रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इस ताल को बनाया था थोड़ा सा मीडियम स्पीड वाले गानों के साथ संगत में यूज करने के लिए। बोल है धी धीना धीना। और इन सभी तालों के बारे में इंफॉर्मेशन अगर आपको और लेना है, देयर इज अ बुक कॉल्ड गीतो बितान विच वॉज रिटन बाय श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी। इस किताब में सारे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ऑल दीज इंफॉर्मेशन आई हैव गैदर्ड फ्रॉम दिस बुक कॉल्ड गीतो बितान। यू कैन ऑल्सो रेफर टू इट बिकॉज ये सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपको शायद इधर उधर ना मिले, बट इट विल बी ऑल अवेलेबल इन दिस बुक गीतो बितान। बोल है धी धी ना धी ना, धी धी ना धी ना, धी धी ना धी ना। इसको आप मैदान में भी बजा सकते हैं एंड किनार में भी बजा सकते हैं। मैदान में बजाने के लिए आपको धी धी ना धी ना, धी धी ना धी ना, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, ये पांच मात्रे का अगर आप मैदान में बजाते हैं। और वही चीज अगर आप किनारों में बजाते हैं धी धी ना धी ना धी धी ना, यही चीज अगर आप स्याही में बजाते हैं धी धी ना धी ना, इस तरह लगेगा धी धी ना धी ना धी धी ना धी ना। पांच मात्रे का, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, धी धी ना धी ना। तो ये बोल तबले में भी बजता है क्योंकि आजकल रविंद्र संगीत को तबले में भी बजाया जाता है। उसके रविंद्र संगीत के साथ ठेका को तबले में भी बजाते हैं एज वेल एज खोल में, तो ये प्रचलित है ही। तो जो खोल के साथ बजाते हैं वो ओपन फॉर्म में भी बजाते हैं, वो क्लोज फॉर्म में भी बजाते हैं, एंड तबले में भी आजकल ये ओपन एंड क्लोज दोनों फॉर्म में बजता है। धी धी ना धी ना धी धी ना धी ना। एंड इसे कुछ वेरिएशंस बहुत आसान तरीके से बनते हैं, धी धी ना ना धी ना ना धी धी ना ना धी ना। इसका मेन बोल है धी धी ना धी ना धी धी ना धी ना धी धी ना धी ना धी धी ना धी ना, ये इसके मेन बोल पे। ये था रविंद्रनाथ जी का क्रिएटेड पांच मात्रे का झम्पक ताल। उम्मीद करता हूं इस वीडियो लेसन से आपको काफी अच्छे इंफॉर्मेशन मिला है। जरूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आप पहली बार देख रहे हैं, एंड अपने कमेंट्स सेक्शन में कमेंट जरूर लिखिए इस वीडियो को देख के आपको कैसा लगा, क्योंकि आपका आपके कमेंट्स मेरे लिए आशीर्वाद होता है। एंड जो मुझसे सीखना चाहते हैं, माय नंबर व्हाट्सएप नंबर 9873500172 इज ऑन द स्क्रीन। मुझसे जुड़ के मुझसे मेरे साथ अपना तबला सीखना शुरू कर सकते हैं एट 50% डिस्काउंटेड फीस में। उम्मीद करता हूं ये वीडियो लेसन आपको बहुत अच्छा लगा है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मुझे आशीर्वाद दीजिए। थैंक यू सो मच एंटायरली माय प्लेजर टू इंटरेक्ट विद यू थ्रू माय तबला ट्यूटोरियल्स।